नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं नवरात्रि चल रही है और उपवास के लिए हम साबूदाने की तरह तरह की रेसिपी बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे साबूदाना थाली पीठ। साबूदाना को अच्छे से भिगोकर रख दीजिए 3 से 4 घंटे के लिए। आप चाहे तो 1 चम्मच दही भी डालकर उसमें पानी ऐड करके रख सकते हैं, उससे साबूदाना बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट भी हो जाता है और हल्का सा स्वाद भी आ जाता है। 1 कप पीनट्स रोस्ट कर लीजिए और उसे बिल्कुल दरदरा पीस लीजिए इस तरह। एक मिक्सिंग बोल में साबूदाना ऐड कर लीजिए। अब इस मिश्रण में ऐड कीजिए बारीक किया हुआ पीनट। चार से पांच ग्रेटेड बॉयल पोटैटोज ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पोटैटोज को ग्रेट किया है क्योंकि उससे लंप्स नहीं बनते हैं। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 5 से 6 कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च आप उसके तीखेपन के हिसाब से डिसाइड कीजिए। अब हम ऐड कर रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक यहाँ पे 2 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि आलू और साबूदाने के लिए ज़्यादा नमक लगता है थोड़ा सा। मिश्रण हाथ से अच्छी तरह मिला लीजिए। पंद्रह से 20 मिनट तक आप मिश्रण रेस्ट पे रखिए और उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे कटी हुई धनिया। थाली पीठ बनाने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ प्लास्टिक। उसको अच्छी तरह क्लीन करके उस पर ऑयल लगा देंगे। मिश्रण का गोला बनाने से पहले हाथों में तेल ज़रूर लगा लीजिए और धीरे धीरे हमें इसे प्रेस करते हुए शेप देते जाना है। अगर आप हाथों को और प्लास्टिक को अच्छी तरह ऑयल करेंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, और क्वांटिटीज़ अगर आप बराबर लेंगे तो आपका ये जो थाली पीठ है वो बिल्कुल टूटेगा भी नहीं। तो ये धीरे धीरे मैं इसको फैला रही हूँ अपने हाथों से हल्का हल्का प्रेस करते हुए। अब इस तरह आप उसे निकाल लेंगे और गर्म तवे पे, जिसको हमने ऑलरेडी ऑयल करके रखा हुआ है, उसमें हम इसे पकाने के लिए रख देंगे। ऊपर से हम थोड़ा हल्का तेल लगा लेंगे और इसे धीमी आंच पर पकने देंगे। अब हम इसे पलटा लेते हैं। जैसे कि हमने धीमी आंच पर पकाया है तो ये बहुत ही क्रिस्पी होगा, अच्छी तरह पकेगा भी और जलेगा बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह हम दूसरे साइड से भी पका लेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है प्लेट में सर्व करने के लिए। इसी तरह दूसरा थाली पीठ भी आप बना लीजिए, उसे अच्छी तरह ऑयल कर लीजिए और फिर उसे अच्छी तरह पका भी लीजिए। थाली पीठ दोनों तरह से पक चुका है। अब मैं इसे सर्व करती हूँ हरी पुदीने की चटनी के साथ। उपवास में ये टेस्टी रेसिपी ज़रूर बनाएं और अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। धन्यवाद।